हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आप सब प्लीज़ मुझे इस चैनल पर भी सपोर्ट करें, जैसे आपने मुझे डॉग्स व्लॉग्स पे सपोर्ट किया है, प्लीज़ आप यहाँ भी सपोर्ट करें। और आज मेरी भांजी का प्रोजेक्ट स्कूल में सेलेक्ट हो गया है, बाकी सारे बच्चों का भी हुआ है और इसीलिए हम स्कूल में आए हुए हैं। बच्चों की पार्टी चल रही है, साथ में बड़ों की भी चल रही है। और यहाँ पे मेरी दीदी कर रही हैं फोटो क्लिक। गाइस आप सब भी बताना, अभी रिसेंटली सबके स्कूलों में स्कूल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरी बिटिया रानी ने भी यही किया है। और ये मेरी दीदी है, बड़ी सिस्टर, और ये उनकी बिटिया। हम थोड़ी देर फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्जीबिशन देखने चलेंगे किसका कैसा है। और आज सब अपने अपने फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और मेरी छोटी बिटिया रानी को फ़ोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बच्चे हैं 2 पास, बाकी पास हमने बच्चों में बांट दिया, उन्होंने उल्टी सीधी चीज़ें खा पी ली। मैंने सोचा जो भी बचा है हम इसकी पार्टी करते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों के हिसाब से पास रखे गए 20, 10, 30, 50, इससे ज़्यादा नहीं है और सही भी है, बच्चे वेस्ट भी करते हैं। फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ ऊपर। ये मेरे भांजे हैं बड़ी सिस्टर से, उनसे भी बड़ी सिस्टर के बेटे। तो मैंने और इन्होंने डिसाइड किया हम पहले जाके देखेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। शायद रूम बंद हो गया है, क्लासेस बंद है, नहीं खुला हुआ है, हाँ इधर से खुला है। तो गाइस देखो, वाओ, अमेजिंग, सुपर, बहुत कलाकार बच्चे हैं भाई, एक से एक बच्चे हैं। कितना सुंदर सुंदर बनाया है सबने, वाओ। इनमें से ये वाला मेरी बिटिया रानी ने बनाया है, ये देखो गाइस, ये रेड लाइट से रिलेटेड है। और ये मेरे भांजे ने ही मेहनत करी है, क्योंकि अभी तो छोटी है, वो नहीं बना सकती, तो मेरे भांजे ने इसको प्रॉपर लुक दिया था। बाकी सब बच्चों का भी आप सब देखो, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। हमें लगता है छोटे हैं देखने में, पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, बट अगर बड़े नहीं बनाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे, तो बनाना ही पड़ता है। वाओ ये भी बहुत अच्छा है, वाओ। सबके अपने अपने माइंड है बच्चों के, बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा बोर्ड ऊपर लगाया भी है, वेरी नाइस। ये है मेरे भांजे, सबने बहुत मेहनत करी बच्चों ने। और एंड में मैं आ जाती हूँ, मैंने कहा नज़दीक से जाके देखती हूँ, तो मेरे भांजे वीडियो बनाने लगे। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा, क्या मैं नहीं बना पाऊँगी ऐसा, कलाकार बच्चे हैं एक से एक। मैंने सब कुछ देख लिया, आगे पीछे घूम घूम के देखा मैंने, बहुत अच्छे से क्लियर किया। और अब मैं आ गई थी दूसरी क्लास में। ये गाइस 9th और 10th क्लास के बच्चों ने बनाया है, मोस्टली 9th के ज़्यादा हैं, 10th के तो कम है, 9th थोड़े ज़्यादा हैं। बहुत ही देखो लावा, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये एक बच्चा भी करके दिखा रहा था हमें, पता नहीं कहाँ गया बच्चा, देखते हैं एक मिनट, बच्चा तो नहीं दिख रहा। ये देखो गाइस, फुल एक्टिविटी के साथ लाइटिंग, किसी की कार चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है हिलता हुआ, मतलब पानी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और ये मेरे भांजे ऑन कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा। कई बार गाइस
घर से स्कूल लाते लाते भी चीज़ों में ना डैमेज आ जाती है। अब बच्चों ने ये बनाया था पानी का, कुछ फ्लोरिंग टाइप से था, लेकिन अब ये ऑन करने पर ऑन नहीं हो रहा। हो नहीं रहा, निशु को समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, ये देखा हमने, वाओ ये बहुत अच्छा है, इसे भी हम ऑन करके देखेंगे। होगा होगा, ये ऑन हो गया, वाओ ये देखो गाइस, मतलब बहुत अच्छा। क्या हो गया, टूट गया शायद, टूट गया। देखना भी जरूरी है, आगे जाके हमें भी बनाना होगा 9th 10th के क्लास में, तो हम ये सब नोटिस ही कर रहे हैं कि कैसे किसने बनाया है। तो गाइज़ हमने देख लिया है, बाकी क्लास बंद हो चुकी है क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, सब पहुंच गए थे, मैं बाद में आई हूँ। और ऊपर से देखो गाइज़ व्यू, ये स्टॉल्स टाइप से लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स भी खा सकते हैं, बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी। और ये झूले हैं, तो अब हम नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं अब। और क्योंकि जिस टाइम सारे पेरेंट्स आए थे यहाँ पे भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और एक और क्लास में आ गए हम, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। अच्छा मेरे भांजे सेट भी करते चल रहे हैं, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको सेट भी कर दो साथ में, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बड़े बच्चों के हिसाब से है तो ऐसा ही होगा। और ये बच्चा देखो, आपको कलाकारी करके दिखाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया है किसी ने, इनो डाला है इसमें, फिर कलर है क्या है पता नहीं चल रहा। अच्छा, चम्मच से अंदर फिर डाला है इनो, पता नहीं चल रहा क्या है, लेकिन कुछ तो है, इनो डाल रहे दोबारा। गाइस जो भी है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करनी होती है, और इस बच्चे ने भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। 9th क्लास का बच्चा है, पूरी कोशिश कर रहा है बेचारा। ये सोलर बनाया है किसी ने, ये लाइटिंग वाइटिंग कितनी अच्छी है, परफेक्ट तरीके से बनाया सबने, तो सब कुछ देख लिया मैंने। चलते हैं गाइस, बहुत देर हो चुकी है मुझे, नीचे सब वेट कर रहे हैं मेरा। क्लीन भी आज बहुत अच्छे से क्लीन भी कर रखा है स्कूल को, सुबह के टाइम तो जगह नहीं थी जाने की, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऑल पेरेंट्स देखने को एक्साइटेड थे। अच्छी अच्छी चीज़ें लगा रखी हैं, ये यहाँ से कवर कर रखा है ताकि बच्चे एकदम से ऊपर ना चले जाएं। हम देख रहे हैं कहाँ हैं बच्चे और बड़े, ये रहे गाइस, अब हम जा रहे हैं घर। एंड शायद डिसाइड हुआ है कि हम फ्रेंड के घर पे जाएंगे, दीदी की फ्रेंड के घर पे जाएंगे, उन्होंने इनवाइट किया है जस्ट अभी, तो चलते हैं आराम से। और हम फिर उसके बाद इनके घर से फिर हम अपने घर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के स्कूल में आके, अच्छा डेकोरेशन कर रखा है सबने स्कूल में भी। ये देखो गेट पे, मेन गेट पे, अब डिसाइड हो रहा है स्कूटी से कौन जाएगा, पैदल कौन जाएगा, तो डिसाइड हो चुका है स्कूटी से जाएंगे दो छोटे बच्चे, देखते हैं दो बड़े बच्चे कैसे चलेंगे। हमारे पास 4 बच्चे हैं ना, दो छोटे दो बड़े, तो देखते हैं, हम पैदल ही निकलेंगे, भीड़ भी आज, गाड़ियां चल रही हैं।
बच्चों का भी ऐसा ही है जिद, लेकिन दीदी खींच के ले गई है। देखते हैं स्कूटी पे कैसे। और जस्ट सामने गाइस एक और स्कूल है रेनू का, ये भी बहुत अच्छा स्कूल है लेकिन छोटे बच्चों का। ओ नो, चारों को बिठा दिया एक गाड़ी पे, संभाल लोगे? नीसू भी कलाकार है भाई। बच्चे एक आगे कैसे बैठा भाई। लेके चले गए।